टॉप थ्री बेस्ट चीपेस्ट एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल इन इंडिया, जहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 8000 रहने वाले हैं और 14000 के अंदर आपको मिलने वाले एमोलेड कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, सिर्फ 14000 के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों डिवाइस की नाम है इनफिनिक्स नोट 12i। ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 10000 था, पर अभी ज्यादातर टाइम ये अंडर 7000 ही रहता है। यहाँ पे आपको 1000 या फिर 2000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, जो सिर्फ इनफिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट विथ 1000 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस डिस्प्ले पे। और दोस्तों वही भी बात करें इसकी कैमरा की, तो इसकी कैमरा भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा, और उसके साथ साथ आपको एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 2K तक वीडियो को शूट कर सकते हो। और वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 2K पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W की फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अंडर 7000 पे कोई भी डिवाइस पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया गया है। पर्सनली ये मोबाइल मेरा फेवरेट है फीचर की वजह से। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4GB रैम एंड 64GB रोम। वही पे बात करें प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर मिलेगा, जो बजट के हिसाब से काफी शानदार सा प्रोसेसर है। और दोस्तों बात करें इसकी नॉर्मल प्राइस की, तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी नॉर्मल प्राइस 8499 रुपीज है, पर दोस्तों ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी प्राइस 6890 रुपीज है। तो इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है, ठीक है। तो आपको अगर एक 4G डिवाइस चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके साथ जा सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वही पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए, 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाईलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है, और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ। तो दोस्तों आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो, तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों अंडर 12000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस, तो आप कैमरा सेंटर के लिए
पहले भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेगा, 4GB प्लस 128GB, 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों, 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसके करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस है आईटेल की तरफ से, आईटेल H23 प्लस। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिल जाएगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट है 178 ग्राम, तो ये डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 7.9mm का स्लिम थिकनेस मिल जाएगा, तो डिवाइस काफी स्लिम और हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा दिखा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा विद एलईडी लाइट। डिवाइस पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा जो काफी प्यारा है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एमोलेड के साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाले। और दोस्तों उसके साथ साथ इस डिस्प्ले पे आपको 500 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया, तो आउटडोर पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डिवाइस पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलते हैं, तो प्रोटेक्शन काफी जरूरी है। तो इस डिवाइस पे प्रोटेक्शन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। इस मोबाइल पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो, ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो दोस्तों ये तो गया इसकी डिस्प्ले, अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल का होने वाला है, उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps में वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30fps में वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला Unisoc की T616 चिपसेट जो 4G है। मतलब दोस्तों ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है, यहाँ पे आपको 5G नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 8GB 256GB। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। बात करें इस डिवाइस की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और आईटेल OS 13 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है, उसकी प्राइस करंट टाइम में 14,000 है, पर कोई भी सेल वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको 1,000 rupees का डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 13,000 आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट एक प्रीमियम डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें, तो दोस्तों आपको अगर कर्व डिस्प्ले पसंद है और आप अगर हैवी गेमिंग या फिर हैवी यूज नहीं करते हो मोबाइल को, तो आप इस मोबाइल के साथ जरूर जा सकते हो। नॉर्मल यूज के लिए ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है, उसके साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी एक डिवाइस है, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।